मीडिया में ऐसी खबरें उछाली जा रही हैं कि उन्होंने उनकी मिलिट्री ने ईरान के ऊपर में अटैक किए हैं। ऐसी खबरें बेबुनियाद हैं। पहली बात तो पाकिस्तान ऐसी कोई पोजीशन में नहीं है, ना फाइनेंशियली ना मिलिट्री के तौर पे, कि किसी कंट्री के साथ डायरेक्ट इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में पड़ सके। दूसरा, पाकिस्तान बुरी तरह से बेनकाब हुआ है इस हमले के बाद जो ईरान ने किया है टेररिस्ट कैंप पे। इससे दुनिया को एक बार फिर पता लग गया कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट का हेवन है और टेररिस्ट का ब्रीडिंग ग्राउंड है। तो पाकिस्तान एक फेस सेविंग एक्सरसाइज कर रहा है अपनी जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, अपने आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए कि हमने भी बदला ले लिया, जबकि ग्राउंड में ऐसी कोई बात नहीं हुई है, ना कोई प्रूफ है, ना उनकी कैपेबिलिटी है। और ये उसी तरह की बात है जैसे बालकोट के स्ट्राइक के बाद उन्होंने दावे किए थे कि हमने भारत के ऊपर ये किया वो किया। तो ये सिर्फ अपने अवाम को बहकाने के लिए होता है और उनका एक मोराल बूस्ट करने के लिए है। ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है, ना ही कब पाकिस्तान कर सकता है।